टाटा कई समय से अपनी कार्स को भारतीय बाजार में बेच रहा है और टाटा की कार्स कितनी टिकाऊ होती हैं ये हमें हेक्सा और नेक्सॉन जैसी गाड़ियों से पता चल जाता है। अब टाटा अपनी नई कार अल्ट्रोस को मार्केट में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कार में क्या क्या खास है आज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारा चैनल ऑटोमोबाइल जॉय सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार का नाम टाटा 45XP हो सकता है। बात करें कार की फ्रंट लुक के बारे में तो इस कार की फ्रंट लुक आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देगी और इस कार में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का यूज किया गया है। कार की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस कार में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया जाएगा और लोअर वेरियंट्स के लिए 17 इंच के स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन दिया जाएगा। बैक से भी ये कार बहुत ज्यादा मस्कुलर लगती है। कार के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इस कार में आपको ऑल ब्लैक कलर के इंटीरियर प्रोवाइड कराए जाएंगे और इस कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी प्रोवाइड कराया जाएगा। कार के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस कार में आपको डुअल एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर और इंजन इमोबिलाइजर जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। कार के इंजन के बारे में बात करें तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कराया जाएगा जो 85 BHP की पावर जनरेट करेगा और 120 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा और ये इंजन आपको कहीं ना कहीं 20 का माइलेज बड़े आराम से दे देगा। कार की लॉन्च डेट और कार के प्राइस के बारे में बात करें तो इस कार को 22 जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है और इस कार के बेसिक वेरिएंट का EX शोरूम प्राइस 5,30,000 रुपए से 8,10,000 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों क्या आप टाटा अल्ट्रोस खरीदना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।